हुकूमत पाकिस्तान ने डिटरमिन कर लिया है कि टीटीपी कलदम टीटीपी के अंदर से गुड टीटीपी वाले कौन है और बैड टीटीपी वाले कौन है? वो आपको खुद ही पता चल जाएगा। जो लोग हमारे साथ वापस आना चाहते हैं, जो आइन की हकमियत को तस्लीम करेंगे, कानून को तस्लीम करेंगे, वो जाहिर है कि बेहतर लोग होंगे। तो फवाद साहब जी आप बात मुकम्मल करें। और जो फिर लड़ना ही चाहते हैं तो फिर उनसे लड़ लेंगे, कोई पैसा नहीं, हम तो पहले भी लड़े। अच्छा, और जिस फ्रेमवर्क के तहत इस वक्त कलदम टीटीपी से बातचीत चल रही है, क्या वो आज जो कौमी सलामती कमेटी हुई है उसमें वो फ्रेमवर्क सामने रखा गया है, या जिस मुआहदे के तहत सीज फायर हुआ है वो चीजें सामने रखी गई है क्या आज? ये चूंकि इजलास इन कैमरा था तो उस पे आई वुड नॉट लाइक टू यू नो गेट इनटू डिटेल्स। तो क्या पार्लियामान में रखी जाएंगी ये फ्रेमवर्क पार्लियामान के सामने, या जिस मुआहदे के तहत सीज फायर हुआ है, या आइंदा किन टर्म्स पे बातचीत भी हो रही है वो पार्लियामान के सामने रखी जाएंगी? ये तो बिल्कुल जो हुकूमत है उसके उसके जो फैसले हैं वो पार्लियामान ही के मंजूरी से होते हैं, और हुकूमत जो है और काबीना जो है वो पार्लियामान ही को रिप्रेजेंट कर रही होती है, और काबीना पार्लियामान ही को जवाब दे होती है। काबीना डेफिनेटली कैबिनेट जो है पार्लियामान को जवाब दे होती है, लेकिन काबीना आपकी हुकूमत पे मुश्तमिल है। वज़ीर आज़म लीडर ऑफ द हाउस तो हैं, लेकिन वो एक पार्टी के जो मुंतखब अराकीन हैं उन पर मुश्तमिल हैं। सो दीगर जो पार्टियां हैं अपोजिशन की जितने, उनके तहफ़ुज़ात उनके सवालात तो बरकरार रहेंगे पार्लियामान के अंदर। जो सवाल है जो उनके जवाब देते रहते हैं, अभी भी दिए, और जो भी उनका सवाल होगा उनका जवाब उनको देंगे। क्या टीटीपी के साथ भी कलदम हटाया जा सकता है उनको, जब मेनस्ट्रीम किया जाएगा या कौमी धारे में लाया जाएगा? अभी ये बड़ा कबल अज़ वक्त होगा कुछ इस किस्म की बात करना, लेकिन क्या ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैंने कहा जब कबल अज़ वक्त होगा ये बात करना। क्या कहीं सोच में मौजूद है या गुफ्तगू में कहीं मौजूद है? अभी तो मेरा ख्याल है कि ये कबल अज़ वक्त बात है। ठीक है।